नमस्कार न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शंडे। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। बालाघाट क्षेत्र के रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम दिनी में एक महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। महिला की रिपोर्ट पर चार लोगों पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। रामपायली थाना प्रभारी विजय ससोदिया के मुताबिक महिला अपने ससुराल जा रही थी, इसी बीच रास्ते में उसका परिचित व्यक्ति मिला जो बहला फुसलाकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने और अन्य तीन लोगों ने दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर चारों पर नामजद केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि महिला आदिवासी है, इसलिए केस डायरी SDOP वारा सिवनी को भेजी जा रही है। फिलहाल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दतिया में 3 दिन से बारिश बंद है, लेकिन कॉलोनियों में आज भी पानी भरा हुआ है। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने नगर पालिका घेराव किया। ये अति वर्षा के कारण हमारा पूरा शहर जलमग्न हो गया है, सारी कॉलोनियां भरी हैं, जनता बहुत परेशान है, त्राहि त्राहि मची है और प्रशासन बिल्कुल निकम्मा होकर के कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरी सड़कें खराब हो गई हैं, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है, जनता बहुत परेशानी में है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन किया है हम लोगों ने। मध्य प्रदेश लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 23 सूत्री मांग को लेकर भोपाल के वल्लभ भवन परिसर में किया गया सोमवार को जमकर प्रदर्शन और सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया गया। बता दें, धरना प्रदर्शन में जिले सहित प्रदेश के 51 जिलों से हजारों की संख्या में जिला लिपिक संघ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य पहुँचे थे। धरने से पूर्व कर्मचारी संगठन ने मंत्रालय के सामने पार्किंग भवन में विशेष बैठक कर आंदोलन को और मुखर बनाए जाने जैसे आदि मुद्दों पर पदाधिकारियों से चर्चा की तथा धरना सोमवार शाम 5 बजे तक चला, जिसमें संघ पदाधिकारियों ने अपनी 23 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का शासन पर दबाव बनाया। साथ ही वित्त मंत्री जयंत मलैया पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं कर्मचारियों के तीखे तेवर देखते हुए पुलिस को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इस दौरान अधिकांश सरकारी दफ्तर भी खाली रहे। बता दें, मुख्यमंत्री ने मंडला में लिपिक वर्ग के पदाधिकारियों से मिलकर आश्वासन दिया है कि 17 सितंबर तक उनकी मांगों पर विचार कर फैसला किया जाएगा। अभी की खास खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।